ये अवाम की आज़ादी के लिए इलेक्शन है। अवाम को अपनी आज़ादी के लिए और अवाम को रूल ऑफ लॉ के लिए ये इलेक्शन लड़ना है। और उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि इतवार के दिन, ये जो आज इतवार आ रही है, उन्होंने पैगाम भेजा है अपने सारे कैंडिडेट्स को कि वो चूंकि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, कुछ दिन रह गए हैं, तो 8 फरवरी से अपनी ओपन आज़ाद कैंपेनिंग शुरू कर दें बाहर निकल के। अभी तक जो कैंपेनिंग हो रही है मजबूरन सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या कुछ लोग कॉर्नर मीटिंग्स तक करने जा रहे हैं। खान साहब ने कहा है कि इतवार से कैंपेन को ओपन कर दें और इसको जारी रखें 8 फरवरी तक। ये अहम पैगाम दिया है आज के दिन के लिए और इंशाल्लाह अगर सारे अवाम वोट करेंगे अपनी आज़ादी के लिए तो जो कैंडिडेट्स हैं, हालांकि सिंबल नहीं दिया हुआ लेकिन उस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लोगों को पता है कौन कौन कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, उन्हीं के लिए अवाम वोट करे ताकि इंशाल्लाह एक जम्हूरी हुकूमत, मेजॉरिटी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए पीटीआई। उसके बाद खान साहब ने कहा है कि जो दो सबसे अहम चीज़ें हैं, एक है कानून की बालादस्ती। उन्होंने देखा है कि कानून को किस तरह तोड़ मोड़ के किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उन्होंने प्रायोरिटी ये है कि इंशाल्लाह आके जब हुकूमत बनाएंगे तो रूल ऑफ लॉ और जो हमारी बुनियादी हकूक हैं उनके ऊपर भरपूर काम करेंगे। शुक्रिया।